हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्याज रेसिपी हिंदी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही जल्द बनने वाला चिकन फ्राई रेसिपी देखेंगे, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट से बनता है। और ये बेस्ट रेसिपी है कोई भी बिगनर्स के लिए और बैचलर्स के लिए, जिन्हें कुछ ज़्यादा करने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कम इंग्रेडिएंट्स में ये तुरंत बन जाता है। तो आप प्लीज इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेशन में बताना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1.25 किलो चिकन के लिए सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे, ये 4 से 5 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये धनिया पाउडर भी 4 से 5 टीस्पून है, और ये 2 टीस्पून गरम मसाला। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 1/2 टीस्पून लिया है, और अप्रोक्स हाफ या हाफ से थोड़ा कम मैंने वाटी दही ली है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और नमक आप आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से और चिकन के क्वांटिटी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करके लेती हूँ। यहाँ मैंने ये चिकन में मसाला सब मिक्स करके ले लिया है। अगर आपके पास कर्ड अवेलेबल नहीं हो, जैसे दही अवेलेबल नहीं हो, तो आप नींबू भी ले सकते हो, अराउंड हाफ और आधा नींबू। और अगर नींबू भी अवेलेबल नहीं है तो विदाउट दही, दही और नींबू के बिना भी ये उतना ही अच्छा टेस्ट करता है। अभी इस मिक्सचर के लिए, इस पूरे चिकन का जो मिक्सचर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे अराउंड 5 से 6 टेबल स्पून बड़ा तेल लिया है, क्योंकि मैं इसे कम्प्लीटली तेल में ही पकाऊंगी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा उतरता है। लेकिन अगर आपको ऐसा तेल ज़्यादा लग रहा होगा, आप तेल कम खाते हो, कम लेते हो, तो आप इसमें कम तेल डालकर थोड़ा पानी आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा उसे पकाने के लिए, वो आप कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर। अब तेल में मैंने चिकन डाल दिए थे, आप इसे हल्का मिक्स कर ले लीजिए सारे साइड से, और इसे आप अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट के बाद खोलकर वापस एक बार मिक्स करें। अब ज़्यादा इसे बार बार खोल के उसको कंटिन्यूस स्टर मत करो, क्योंकि फिर उसे उसका चिकन जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब ये मैंने ढककर रख दिया है, इसे हम 5 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब ये 5 मिनट के बाद मैं इसे थोड़ा मिक्स करके लूंगी। आप देख सकते हो कितना पानी छोड़ दिया है ऑलरेडी चिकन ने, इसीलिए आप इस पे ज़्यादा करके पानी ऐड ना करें, क्योंकि ये तेल और जो चिकन पानी छोड़ता है उसी में ये बहुत अच्छी तरह से सिज जाता है चिकन। तो आप इसको, और आपको अगर पानी ऐड करना हो और अगर आप तेल कम यूज़ कर रहे होंगे, तो इस मोमेंट पे जो है आप पानी जितना आपको चाहिए उतना ऐड कर सकते हो, बट प्रेफरेबली आप बहुत कम पानी ऐड करें, क्योंकि चिकन जो है अपना पानी पूरा छोड़ेगा, तो उसके बाद आप देखिए आपको कितना पानी ऐड करना है, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, बट इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अगर आपने तेल कम लिया होगा तो। अब मैं इसे वापस ढककर रख देती हूँ, सेम हम 5 से 7 मिनट के बाद इसे एक और बार स्टर करेंगे। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी थोड़ा अभी पानी है, ये हाफ कुक हो चुका है या आधा पक चुका है, बट इसमें अभी भी थोड़े पानी है, तो ये पानी जब तक कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर लेता चिकन, तब तक आप इसे कुक होने दे देंगे। तब तक आप बीच बीच में उसे ऐसे ही एक बार स्टर कर मिक्स कीजिए और उसे ढककर पकाएं। बहुत ही हल्के हाथ से आप कीजिए, वरना फिर ये चिकन जो है पीसेस टूटने के चांसेस ज्यादा है। मैं इसे ढककर पानी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने तक इसको पकाऊंगी, बीच बीच में आप उसे स्टर करते रहिए। तीस से 40 मिनट हो गए थे इसे मैं कंटिन्यूस बीच बीच में स्टर कर रही थी। अब ये चिकन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही कम तेल अब बचा हुआ है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो, मैं अभी इसे इसी स्टेज पर गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को पर्सनली ये जो इसका टेक्सचर है, ये जो मसाला है, ये हमें प्लेन राइस के साथ अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसी में
मैं इसे इतना ही पकाने वाली हूँ। अगर आपको ये मसाला और ड्राई करना है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे या फास्ट फ्लेम पे आप इसे कंटिन्यू स्टर करके जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप इसे मिक्स कर सकते हो। अब मैं इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। यह हमारा सिंपल और इजी चिकन फ्राई रेसिपी यहाँ पे तैयार है। आप इसे प्लीज़ इसी तरह इसे एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।